मतदान के लिए नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना करते हुए मतदान प्रक्रिया में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि पूर्ण मतदान प्रक्रिया को निर्विघ्न संपन्न किया जा सके। ये बात सहायक निर्वाचन अधिकारी नीरज चांदला ने वीरवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में 63 शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आयोजित अंतिम पूर्वाभ्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में वीरवार को 63 शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए पूर्वाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पूर्वाभ्यास कार्यक्रम में कुल 463 अधिकारियों व कर्मचारियों ने मतदान संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर सहायक निर्वाचन अधिकारी नीरज चांदला ने कहा कि इस कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी, पोलिंग अधिकारी महिलाएं, सेक्टर मजिस्ट्रेट ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी को वीवीपैट व ईवीएम और मॉक पोल के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं मतदान से पूर्व और बाद की विभिन्न प्रक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए भी अधिकारियों कर्मचारियों को जागरूक किया गया। इस दौरान मतदान प्रक्रिया को सही समय पर और निर्विघ्न संपन्न करवाने के लिए सभी को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अनुपालना करने के निर्देश दिए गए। आज यहाँ पे 63 शिमला असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आज जो थर्ड रिहर्सल है उसका आयोजन किया गया है। यहाँ पे शिमला अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो जितने भी पोलिंग स्टाफ हैं बाहर से जितने भी आए हैं डिफरेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो आधे लोग तो कल ही पहुंच गए थे, आज सुबह पहुंचे हैं। तो जितने भी लोगों की ड्यूटी लगी थी सारे हम पहुंचे हैं और उनके लिए हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी रखी थी। डमी पोलिंग बूथ भी सेट अप किया हुआ था यहाँ पर और जितने भी उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने हैं, पोलिंग पार्टी का डिपार्चर कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने पहले चेक करने हैं और पोलिंग बूथ पे रहना है उन्होंने। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि कल हमारी फाइनल थर्ड रिहर्सल होगी और उसके बाद डिपार्चर होगा। तो यहाँ पे 91 शिमला अर्बन में जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके लिए पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ के लिए हम डिपार्चर करेंगे यहाँ पोर्टमोर स्कूल से। तो 14 हमने HRTC की बसेस लगाई हैं, 14 रूट हमने फाइनलाइज किए हैं। तो हर एक पोलिंग बूथ के लिए जो है किसी भी पोलिंग पार्टी को 500 मीटर से ज़्यादा पैदल चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने बसेस का काफ़ी अरेंजमेंट किया है। और सेक्टर ऑफिसर्स को भी हमने आज यहाँ पे बुलाया है, BLOs को भी हमने डायरेक्शन दे दी है कि वहाँ क्योंकि कल इनका डिपार्चर हो जाएगा तो कल रात को और परसों सुबह परसों पूरा दिन ये वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे ही रुकेंगे। तो वहाँ पे उनके रहने का इंतज़ाम पूरा किया जाएगा और 19 को पोलिंग पूरे तय समय पे शुरू हो इसके लिए हमने पहले से अरेंजमेंट कर रखी हैं और इनका सारा रख रखाव और सारा देखभाल का जिम्मा हमने सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और BLOs के जिम्मे छोड़ा हुआ है और हमने खुद भी इनके इंतज़ाम पूरे रहने के और स्टेइंग के किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।